नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे एक और वीडियो अंक में। इस वीडियो अंक में हम आपको बताने जा रहे हैं हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार किन आठ लोगों को, या यूं कह लें कि किन आठ देवताओं को अमर बताया गया है। मित्रों, हमारे वेद पुराणों, रामायण महाभारत आदि धर्म ग्रंथों में ऐसे आठ महान हस्तियों के नाम अंकित हैं जिन्हें कभी न कभी किसी न किसी कारणवश अमरत्व का वरदान प्राप्त हुआ। इस वीडियो में हम उन आठ महानुभावों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें, इन आठ अमर प्राप्त महाआत्माओं को अगर आप प्रतिदिन याद करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप भी शतायु यानी 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करेंगे। कम से कम ऐसा माना जाता है कि रोग व्याध से आपको मुक्ति मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम में से कई लोग ये जानते हैं कि भगवान हनुमान जी को यह वरदान प्राप्त था और वह आज भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि महाभारत में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को भी यही वरदान प्राप्त था। बाकी महापुरुषों के बारे में कम ही लोग जानते हैं, तो इस वीडियो में हम उन आठ लोगों के बारे में बताएंगे। पहले आपको हम वो श्लोक दिखाते हैं जिस श्लोक में चिरंजीवी यानी कि चिरकाल तक जो जीवित रहे यानी अमर, जिसकी मृत्यु ना हो, इनका जिक्र है। अश्वत्थामा बलिर व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपं परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान स्मरणे नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमम् जीवे द्वर्षशतम् सोपि सर्वव्याधि विवर्जित। इस श्लोक का प्रतिदिन कम से कम एक बार आप जरूर स्मरण करें, और साथ ही साथ जिन आठ भगवानों के नाम इस श्लोक में लिखे गए हैं उनको भी एक बार जरूर से स्मरण कर लें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को शतायु की प्राप्ति होती है, सब तरह से रोग व्याध से वो मुक्त रहता है। तो श्लोक में बताया गया है कि अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, साथ में कृपाचार्य, परशुराम, ये सात चिरंजीवी लोग हैं दुनिया में। इन सातों को प्रतिदिन स्मरण करें और साथ में आठवें ऋषि मार्कंडेय का भी स्मरण करें। जो व्यक्ति इस श्लोक का स्मरण करता है वह 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, साथ ही साथ सभी रोगों से वो मुक्त होता है। इसलिए मैंने आपको यह श्लोक गाकर भी सुना दिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं प्रत्येक भगवानों की और वो किस संदर्भ में पुराणों में या हमारे धर्म ग्रंथों में आए हैं, इनके बारे में आपको मैं बताता हूं। अश्वत्थामा, महाभारत में इनका उल्लेख मिलता है। ये द्रोणाचार्य, ऋषि द्रोणाचार्य के पुत्र थे। इनके मस्तक पर मणि थी और इनको अमरत्व का वरदान प्राप्त है। जब तक इनके मस्तक पर मणि रहेगी तब तक ये अमर रहेंगे। महान दानी राजा बलि, जिन्होंने भगवान विष्णु के वामन अवतार के लिए अपना सब कुछ दान में दे दिया, इनको भी अमरत्व का, चिरंजीवी का वरदान प्राप्त है। भगवानों के भी संकट हर लेने वाले संकट मोचन हनुमान जी को भी अमृत का वरदान प्राप्त है, ये तो सभी को विदित है। इसीलिए
आधुनिक काल में भारतवर्ष में हनुमान जी की बहुत ही पूजा की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि संकट मोचन हनुमान सभी के संकट को हर लेते हैं। रावण के भाई और श्री राम के सहयोगी विभीषण, रामायण में जिनका उल्लेख मिलता है, उनको भी अमृत का वरदान प्राप्त है। अश्वत्थामा के मामा जी और कौरव पांडव के गुरु कृपाचार्य महापराक्रमी ऋषि थे। वह युद्ध कौशल में बहुत ही निपुण थे और ऐसा माना जाता है एक साथ 60,000 की सेना से भी लड़ सकते थे अकेले, ऐसे थे कृपाचार्य। कृपाचार्य को भी अमृत का वरदान प्राप्त है। भगवान परशुराम विष्णु जीव के अवतार हैं और ऐसा माना जाता है कि इस धरती पर 21 बार उन्होंने अधर्मी और हठी क्षत्रियों को पूरी तरह से दुनिया में समूल नाश किया था, उनको भी अमृत्व का वरदान प्राप्त है। ऋषि मार्कंडेय भगवान शिव के अभिन्न भक्त थे। इनकी मृत्यु अल्पायु में होना सुनिश्चित था, इसलिए इन्होंने महामृत्युंजय जाप को पूरी तरह से सिद्ध कर दिया और जब यमराज इनको लेने आए तो भगवान शंकर ने खुद प्रकट होकर इनके प्राणों को बचाया। इसके बाद इनको अमृत का वरदान प्राप्त हो गया। सभी वेदों के महाभारत और महाभारत के एक अंश गीता के रचयिता महर्षि वेदव्यास महान ऋषि थे। वेदव्यास जी को भी अमृत का वरदान प्राप्त है। तो ये 8 ऐसे देवता पुरुष हैं जिन्हें अमृत की प्राप्ति है। मैंने जो श्लोक आपको बताया उस श्लोक को आप 2-3 बार सुनिएगा, उसको प्रैक्टिस करिएगा, प्रतिदिन एक बार कम से कम जो कहानी मैंने बताई उनको स्मरण करते हुए इस श्लोक को बोल दीजिएगा। आप प्रयास करेंगे तो रोग और शोक से आप दूर रहेंगे, आपको उत्तम स्वास्थ्य मिलेगा और आप शतायु होंगे। वीडियो का अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।